दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 6x रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। अब सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में और पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में dy ओवर dx दिया हुआ था, मींस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में हमें एक सिंपल फंक्शन दिया हुआ है और हमें उसका dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, तो दोनों का तरीका अलग अलग होगा, राइट? तो सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिफरेंशियल निकालने के पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है? देखते हैं कैसे करेंगे। दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 6x रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है? अब थोड़ा एलजेब्रा का यूज करेंगे, जिन लोगों ने एलजेब्रा अच्छे से पढ़ा है उनके लिए ये चीजें समझनी इजी रहेंगी और उनको हमेशा जो उसकी ट्रिक्स हैं वो मालूम रहती है। थोड़ी ट्रिक हम भी लगाने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स दिया हुआ है, 6x को लेते हैं 2 इंटू 3x, बिकॉज 3x की एप्लीकेबिलिटी यहां पर भी है, तो इसको करते हैं 2 इंटू 3x और इसको कर लेते हैं 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। अब एक ट्रिक और इस्तेमाल करते हैं, यहां भी 3x है यहां भी 3x है, लेट्स ट्राई टू रिमूव दिस 3x। ट्रिक क्या यूज करेंगे, सपोज अगर हमने लेट 3x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर 3x को साइन थीटा ही क्यों माना, मेरे पास यहां पर बाहर साइन इनवर्स है, अगर अंदर मैं साइन थीटा लेता हूं तो आई हैव चांसेस हैं कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। सपोज यहां कॉस होता, कॉस इनवर्स होता, तो हो सकता है कि मैं 3x इक्वल्स टू कॉस थीटा मानता। ये सारे जितने भी ट्रिक्स हैं ये इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज हो रही हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं 3x इक्वल्स टू साइन थीटा ही लेना है। इस क्वेश्चन में साइन थीटा एप्लीकेबल हो जाएगा इसलिए साइन थीटा लिया। 3x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा क्या होगा, साइन इधर चला जाएगा, साइन इनवर्स 3x हो गया। आगे बढ़े अब यहां पर फिर 3x की जगह हम लोग साइन थीटा प्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन इनवर्स लगाना मैं भूल गया था, साइन इनवर्स वापस लगा दीजिए, साइन इनवर्स ये हो गया 2 साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट में है तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी कॉस थीटा जब रूट के बाहर आएगा तो। अच्छा अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, उसका रूल है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये साइन इनवर्स है ये साइन है, कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 थीटा। वाई यहां से आ रहा है तो वाई इक्वल्स टू 2 थीटा, ठीक है? अब हमें वापस इस वैल्यू का यूज करना होगा, वाई इक्वल्स टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, साइन इनवर्स 3x वो यहां पर रख देंगे तो वाई इक्वल्स टू 2 इंटू साइन इनवर्स
3x हो गया. नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. तो लिखेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड्स. इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं एक बार. y इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स 3x. डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों का डिफरेंशियल लेंगे तो ये हो जाएगा डी एफ ऑन डी एक्स वाई इक्वल्स टू 2 बाहर रख लेंगे 2 डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 3x. अब एक और फॉर्मूला लगेगा यहां पर d ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x होता है इक्वल टू 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. वापस आ जाए यहां पर dy ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 3x है यहां, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहां पर, यहां x के बदले 3x है तो 3x का होल स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर इंटू 3x को डिफरेंशिएट करेंगे 3. आंसर आ गया dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इंटू 3 6 ओवर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर. दिस इज द आंसर हियर. सो डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 6x रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर विल बी dy ओवर dx इक्वल टू 6 ओवर 1 माइनस 9x स्क्वायर अंडर रूट में. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पहले बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं. इन सबको घर पर आप लोग कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए. इसके सिमिलर क्वेश्चंस बुक में जगह जगह दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को निकालिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए. एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन आ जाए. पैटर्न विल रिमेन सेम बट वैल्यूज कैन बी हेयर एंड देयर. सो इससे सिमिलर जितने क्वेश्चंस हैं 5-7-8 क्वेश्चंस निकालिए और उन सबकी प्रैक्टिस कीजिए. ऑलराइट, थैंक यू.